स्टोरी जरा लंबी है, टाइम देना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल बिहारी ब्लॉगर में। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको लेके चल रहे हैं बलुआ बाज़ार, जो कि वहाँ पे दुर्गा पूजा का बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है। तो चलिए, आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ऐसी अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप देख सकते हैं गाइस, रात के 10:30 हो चुके हैं। तो गाइस, आप वीडियो देखिए और दुर्गा पूजा का भरपूर लुत्फ उठाइए। तो गाइस, फाइनली हम बलुआ बाज़ार पहुंच चुके हैं, जो कि देख लीजिए आप, हम ओवरब्रिज के नीचे हैं। तो चलिए, हम आपको लेके चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं गाइस, लाइटिंग इफेक्ट कितनी शानदार है यहाँ पे, कितना शानदार यहाँ पे सजावट हुआ है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए और दुर्गा पूजा का लुत्फ उठाइए। चलिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं पंडाल कितना ही ज़बरदस्त बना है, लोगों की भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो गाइस, आप वीडियो लास्ट तक देखिए और दुर्गा पूजा का लुत्फ उठाइए।
अशोक जी मुगिन घाट खड़ा था चौक मुजफ्फरपुर। तो मैं इससे भी अधिक तप करूंगा। अगर इससे भी प्रसन्न नहीं हुए तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। बानसी, तुम्हें शरीर परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। देवों के देव महादेव, मुझसे आप इतने प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दे जिससे मैं अमर हो जाऊं। बानसुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता क्योंकि संसार में जितने जीव प्राणियों ने जन्म लिया है सभी को एक नए देव बनना ही पड़ता है। अतः तुम दूसरा वरदान मांगो। तो ठीक है महादेव, मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु एक कुमारी कन्या के द्वारा हो। तथास्तु। संसार की सारी कुमारी कन्याओं का विवाह मैं कराऊंगा। जो मेरे इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड की प्राप्ति होगी। जब कोई कुमारी कन्या ही नहीं रहेगी तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। प्रोग्राम खत्म हो चुका है तो हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। इससे पहले हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। हम आपको
देख लीजिएगा कितना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओवर ब्रिज के ऊपर तक यहाँ भीड़ है। ओवर ब्रिज के ऊपर भी यहाँ पे बंदे देख रहे हैं यहाँ से। गाइस आपको एक बार और पंडाल दिखा देते हैं हम। आप देख सकते हैं कितना हेवी सजावट हुआ है यहाँ पे बलुआ बाजार, जो कि यहाँ का सबसे फेमस जगह है मोतिहारी का। तो गाइस आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए अभी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। लो आप देख सकते हैं रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। हम यहाँ से बलुआ बाज़ार से हम स्टेशन जाएंगे और स्टेशन से टाउन हो। तो आप वीडियो देखिए और वीडियो का भरपूर लुक उठाइए। आप देख सकते हैं सजावट भी काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पे। आज रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप टाइम देख सकते हैं 11 बज चुके हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो आप तक तो पहुँचती रहे। तो गाइज चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए गाइज बाय।